6 महीने में एक दफ़ा आप अपना प्रॉपर टेस्ट कराएं, जिसमें आपका थायराइड हो, आपका ब्लड शुगर एवरीथिंग उसमें हो, तो उसमें आपको पता चलता है आपका विटामिन डी हाई तो नहीं है, पोटेशियम हाई तो नहीं है। हाई होता है तो पिगमेंटेशन होती है। लो होगा तो लो में तो हमें विटामिन खानी पड़ती हैं, लेकिन अगर हमारा हाई होता है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि हमारी कोई प्रॉब्लम आ गई, आपकी नी की प्रॉब्लम आ गई, तो लोग डॉक्टर जो है वो आपको विटामिन डी देना शुरू कर देते हैं। अब विटामिन डी कितनी खानी है आपको नहीं पता होता, वो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ इतनी खा लीजिए, इतनी खा लीजिए, उसने अपने बेचनी होती है, मतलब लॉट्स ऑफ थिंग। और ये जो बातें मैं आपसे कह रही हूँ, ये मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ, मैं आपसे रैंडम बात नहीं कर रही हूँ, और ये मैंने सुनाई नहीं है। हाँ, तो ये चीज़ें, और जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है आपको विटामिन डी जो है वो बहुत ही हाई है, 30 होना चाहिए, वो आपका ओवर 100 हुआ हुआ है, तो उसका जो अफेक्ट आएगा वो आपकी फेस के ऊपर आएगा। सबसे पहले आपकी पिगमेंटेशन आपकी बहुत डार्क होने लगती है, क्योंकि मेलानिन हमारा जो है वो स्ट्रॉन्ग होने लगता है अगर विटामिन डी हाई है, पोटेशियम, ये दोनों चीज़ें अगर हाई हैं तो आपके मेलानिन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और वो आपका जहाँ भी लाइट फेस होता है वहाँ पर आपका प्रोमिनेंट होने लगता है। राइट, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसका लोगों को नहीं मालूम होता। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम सन ब्लॉक नहीं लगा रही होती हैं औरतें। मैं हमेशा अपनी जितने भी सैलॉन्स में लोग आते हैं उनको मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप सुबह उठें, फेस वॉश करिए, उसके बाद सबसे पहले आप अपना मॉइस्चराइजर लगाइए, जो भी आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं, और उसके ऊपर आप अपना सन ब्लॉक लगा लें। इफ़ यू आर गोइंग आउट, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप ओवर द काउंटर अगर आप ले रहे हैं तो मैं आपको आज बता दूंगी कि आप किस तरह उनको यूज़ करें, और उससे आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप कहेंगी कि हैरान हो जाएंगे, मैं ही हूँ ये। एग्जैक्टली तो जैसे रेटिनॉल का लोग कहते हैं कि रेटिनॉल स्किन ड्राई करके फ्लेकी नहीं करता, एक्चुअली रेटिनॉल जो है वो स्किन के लिए मॉइस्चराइज होता है, और रेटिनॉल रात को लगाया जाता है, कुछ लोग रेटिनॉल सुबह लगा लेते हैं, विच इज़ रॉन्ग। आपको रेटिनॉल हमेशा रात को फेस वॉश करके फिर आपको रेटिनॉल लगाना है, ताकि रेटिनॉल क्या हेल्प करता है, रेटिनॉल बेसिकली मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को, आपके कॉलेजन को, तो जब आपकी स्किन और कॉलेजन आपका मॉइस्चराइज होगा वो ऑटोमेटिकली पंप होगा तो आपकी स्किन क्लीन होगी और नीट होगी, जो पोर्स खुले हुए हैं आपके वो पोर्स बंद होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली पंप हो रहा है। सुबह के टाइम में जो मैं रिकमेंड करती हूँ लोगों को, वो विटामिन सी और हाइलोरोनिक एसिड आप मिक्स करके लगाइए, इट्स मेक अ बिग डिफरेंस। हाउ अबाउट, अभी इस पे बात हुई है तो विटामिन सी और हाइलोरोनिक एसिड के वो भी आते हैं, सीरम्स भी आते हैं, तो यू जस्ट वॉश योर फेस, पुट द सीरम, और उसके बाद कोई अच्छा सनब्लॉक लगा लें। कुछ सनब्लॉक ऐसे भी हैं जो जेल बेस्ड नहीं होते, वो क्रीम बेस्ड होते हैं, जो कि मॉइस्चराइज कर रहे होते हैं स्किन को। हाँ, लेकिन हर एक अपनी अपना एक शेड्यूल होता है, तो कि यू नीड टू पुट सीरम फर्स्ट देन मॉइस्चराइजर, देन मॉइस्चराइजर एंड देन फिर सनब्लॉक, सनब्लॉक एंड देन यू आर गुड टू गो फॉर द एंटायर डे। हाँ, लेकिन सनब्लॉक डिपेंड कि आप कितने, कौन सा सनब्लॉक लगा रहे हैं, SPF 50 लगा रहे हैं, SPS 30 लगा रहे हैं, या 100 लगा रहे हैं। हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना SPF? आई पर्सनली सजेस्ट कि आप मिनिमम मिलें तो 50-60 लीजिए, क्योंकि धूप तेज है, धूप तेज का नहीं होता, ये आपको इतने घंटे सिक्योर रखेगा। नो, अगर आपने जैसे लॉन्ग उस पर जाना है, जैसे आपका शूट है सारे दिन का, तो आप SPF 100 लगा लीजिए, दे विल वर्क फॉर अराउंड गुड 8 आवर्स। जैसे मैं सुबह से निकली हूँ 4 बजे, मैंने मेकअप साफ करना है, तो आई शुड बी यूजिंग SPF 100। तो मिनिमम हम रिकमेंड करते हैं कि 50 लगाइए, 60 लगाएं, या फिर आप 100 लगाएं, तो आप पूरा दिन आप अपने आराम से, लेकिन जब भी आप वुजू के लिए आप मुंह धोएं तो यू नीड टू अप्लाई अगेन, क्योंकि वो उसमें निकल जाएगा। राइट, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन लोगों को इन बारे में पता नहीं होता। एक चीज़ तो आपने कही कि अपना बॉडी का ख्याल रखें कि आपके अंदर क्या जा रहा है, क्योंकि जो आप खाएंगे वही आपके चेहरे पर नजर आएगा। एग्जैक्टली। दूसरा मुझे लगता है हाइड्रेटेड रहें, पानी पीते रहें, क्योंकि बहुत दफ़ा हम स्पेशली वर्किंग वुमेन वो पानी इसलिए नहीं पीते कि बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, या ऑफिस में आप होता ना कि पानी पी लूँगी तो मैं वॉशरूम कहाँ ढूंढूंगी, बट पानी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और तीसरी चीज़ आपने कहा कि सुबह जो है अपना 2-3 चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट कर ली जाए। अच्छा, हाइलोरोनिक एसिड और विटामिन सी वाले सीरम को इतने एक्सपेंसिव नहीं होते अब तो, इट्स वेरी ईजिली अवेलेबल। कुछ ऐसी ब्रांड्स हैं जिनके आप मतलब 1000 रुपये तक मिल जाता है कोई ना कोई सीरम।
आई पर्सनली सजेस्ट कि आप फार्मेसी से लें. अच्छा, नॉट फ्रॉम द ब्यूटी शॉप. नो, आप फार्मेसी से लीजिए तो वो उनके पास एक अच्छे प्रॉपर हाइलोरोनिक एसिड और आपके पास रेटिनॉल भी उनके पास होगा और विटामिन सी. मैंने एक बार रेटिनॉल पे इन्वेस्टमेंट किया मगर एज इट इज रखा हुआ है. वो बहुत मशहूर इंटरनेशनल कंपनी है, छोटा सा उसका एक रेटिनॉल. लेकिन मुझे एक दो दफ़ा मैंने लगाया मगर इतना ध्यान नहीं किया. लेकिन अब आपसे बात करके लग रहा है कि रात में लगा लिया करूँ. अच्छा, अब आते हैं हम इसकी, हमने बात कर ली. ये बड़ा कॉन्सेप्ट है आई क्रीम का. क्या हम वही मॉइस्चराइज़र भी आँखों के इर्द गिर्द लगाएं या यू नीड टू इन्वेस्ट फॉर एन आई क्रीम? आई क्रीम जो होती है हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्चुअल जो है आई क्रीम क्या है, सबसे पहले तो आप ये चीज़ को समझें. आई क्रीम हमारी एंटी रिंकल्स के लिए होती है. जो हमारे वक्त के साथ रिंकल्स आ रहे होते हैं, अगर हम उनको बहुत एक सिंपल, मैं कहूँगी अगर आपने बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है तो आप वैसलीन रोज़ वाटर के साथ मिक्स करके आप एक हल्की क्रीम बनाएं, क्योंकि उस अंडर आई को आपको मॉइस्चराइज रखना है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो मॉइस्चराइज रहे. कैस्टर ऑयल लगा सकते हैं? कैस्टर ऑयल भी आप लगा सकती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये थिक हैं, तो आप इनका एक क्रीम बना लें. और मतलब वैसलीन के अंदर थोड़ा सा कैस्टर ऑयल और रोज़ वाटर मिक्स करके एलमंड ऑयल भी डाल सकते हैं. लेकिन समटाइम्स नट से लोगों को एलर्जी होती है, तो मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करती जब तक आपके टेस्ट जो आपका टेस्ट हुआ वो उसमें आपको पता ना हो कि आपको एलमंड से एलर्जी नहीं है. मुझे एक बात बताइए, अब जैसे हम बात करें इसकी विटामिन सी सीरम की, मेरे जहन में सी से आया कि अगर हमारे पास जो वो बेबी वैसलीन नहीं आती है, वो जो पिंक और लाइट ब्लू ढक्कन वाली, आई थिंक इट्स द सेफेस्ट और क्लीनेस्ट होती है, आप अगर अपने फेस पे सीरम लगा के वो वैसलीन लगा लें तो अच्छा सोने का मॉइस्चराइजर बन सकता है? कौन सी क्रीम लगाएं? यही रेटिनॉल सीरम्स लगाएं? नहीं, रेटिनॉल की बात नहीं कर रही. सीरम लगाएं आपने हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन सी वाला, और फिर आप वैसलीन लगा लें? वैसलीन आप नहीं लगा सकते क्योंकि जब आप सन में जाएंगे तो नहीं, रात नाइट की बात. रात में तो आप सिर्फ रेटिनॉल लगाएं एंड दैट्स इट, यू डोंट नीड एनीथिंग. अच्छा, आंख के इर्द गिर्द वैसलीन कह रही हैं? आंख पे मैं कह रही हूँ आपको कि अंडर द आई अगर आप लगा रही हैं तो आप ये कैस्टर ऑयल, रोज वाटर और वैसलीन के साथ एक क्रीम कर लीजिए और उसको सिर्फ अंडर आए, सिर्फ ड्रॉप्स लगाएं उसके और बस हल्का सा, फिर आप हल्के से, लेकिन आँख के पूरे चारों तरफ लगती है, भी पूरी पूरी आईलेट पे, आई पे भी लगाइए, आपके ऊपर की टॉप पे भी लगाएं, ताकि आपकी ये जो आँख का प्रॉपर दायरा है वो पूरा आपका एंटी एजिंग के लिए काम करे. तो ये जो फ्राउन लाइंस हमारी विद टाइम बनती हैं, तो इट्स गुड फॉर दैट टू या उस पे रेटिनॉल? उसके लिए रेटिनॉल. रेटिनॉल देख, बाहर वाली कंपनियों के एक्सपेंसिव होते हैं, डू वी हैव चीपर रेटिनॉल अवेलेबल? रेटिनॉल डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कौन सी है. इट्स अ डिफरेंस, क्योंकि ब्रांड ब्रांड होती है. ये चीज़ मैं हमेशा सबको रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप एक काम करवा रहे हैं आप किसी नॉन ब्रांड से और एक काम आप ब्रांड से करा रहे हैं, क्योंकि ब्रांड पैसा इन्वेस्ट करती हैगी और उस पर उसको रिजल्ट मिलता है. आप छोटी चीज़ों से कराएं, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपने, जैसे मैंने आपको ये बताया कि वैसलीन और ये चीज़ें करें, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग रन में दे विल वर्क रियली वेल. ठीक है, लेकिन अगर आप एक बहुत बड़ी एक्स वाई जेड कंपनी की आप ले रहेंगे और अगर उसके इंग्रेडिएंट्स आप पढ़ेंगी तो एग्जैक्टली सेम होते हैं, तो ये चीज़ें हम कवर कर सकते हैं कि नहीं चलो हम ये उसमें करें. लेकिन बाकी चीज़ों में अगर हम रेटिनॉल की बात करें, दे आई पर्सनली सजेस्ट कि आप ब्रांड ही लें तो ज़्यादा बेहतर है. मुख्तलिफ कंपनियों के रेटिनॉल दस्तियाब हैं मार्केट में, और जो कि फिर आपको जो आपकी पॉकेट को सूट करता है वो ले लें. एंड रेटिनॉल हेल्प्स बेटर देन रेगुलर मॉइस्चराइज़र? डेफिनेटली. मॉइस्चराइज़र क्या करता है, वो आपकी टॉप लेयर पे काम करता है, एपिडर्मिस पे काम कर रहा होता है वो, तो आपकी रेटिनॉल आपके इंटरनल स्किन पे काम करता है. सही है, तो जब वो इंटरनल जाएगा तो ऑब्वियसली वो आपके कॉलेजन तक जाएगा. हमें काम करना है कॉलेजन जो नीचे तोड़फोड़ जो बिल्कुल नीचे जो है आपकी स्किन, क्योंकि हमारी लेयर्स होती हैं स्किन की. सही. तो मॉइस्चराइज़र सिर्फ आपकी जो टॉप लेयर है उसको मॉइस्चराइज कर देगा. ठीक है, वो पेनिट्रेट नहीं होगा. सही. जो मॉइस्चराइज़र आप पानी के साथ करके आप पेनिट्रेट करेंगे या ऑक्सीजन बेस्ड मॉइस्चराइज़र रहेंगे, दे विल वर्क रियली रियली वेल, क्योंकि हम ब्रीथ करते हैं, तो जब हमारे पास ऑक्सीजन बेस्ड मॉइस्चराइज़र आते हैं तो वो हम अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हमारी स्किन बहुत जल्दी मॉइस्चराइज हो जाती है. अब आते हैं बालों की तरफ.
बाल भी हेयर लाइन रिसीट करने लगती है, वो भी हमने कभी तेल तो डाला नहीं होता कि डज ऑयल मसाज एक्चुअली हेल्प? दे विल वर्क. और लोग नहीं इस चीज़ को समझते हैं कि ये, अब आपने देखा होगा कि अब इतना ज़्यादा ऑयल के बारे में लोग बोलने लगे हैं, और कि नहीं आप लोग ऑयलिंग करिए और ज़रूर करिए, हफ्ते में 2 दिन करिए या 3 दिन करिए. और मैं आपको बताऊं, जब मैं इंग्लैंड में थी तो मैं एक टीवी प्रोग्राम, जैसे हम कर रहे हैं इसी तरह एक प्रोग्राम देख रही थी, एंड इट्स लाइक अ बिग ब्यूटिशियन, एंड शी रिफ्यूज्ड कि आप लोगों को ऑयल लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा. और उसके ही कुछ अरसे के बाद शी सेड नहीं, आपको ऑयल लगाना चाहिए. तो आई बिलीव कि ये चीज़ें आप जब पढ़ते होंगे, जैसे मैंने इंग्लैंड से तालीम हासिल की है ब्यूटी थेरेपिस्ट की, पूरी डिटेल, जस्ट सिर्फ डॉक्टर की डिग्री रह गई, अदरवाइज आई गॉट एवरीथिंग. तो क्योंकि हमें पढ़ाते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी के साथ, तो हमें पूरी डीपर आपकी पूरी बॉडी पढ़ा देते हैं. तो उसमें जो ऑयलिंग होती है वो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं. अगर हमारे फॉलिकल्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो वो कैसे स्टे करेंगे. और इसीलिए पुराने वक्त की जो खवातीन थी उनके लंबे अरसे तक छोटी मोटी होती थी ना, मोटी होती थी और ब्लैक होती थी. हाँ, और ब्लैक उनकी छोटी होती थी, जिसकी वजह से मतलब, क्योंकि वो लोग हेल्दी स्कैल्प होता था. अच्छा, एक और चीज़ मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि हिना बहुत लोग प्रेफर करते हैं कि हम हिना लगा लें. हिना इट्स वाहिद वो केमिकल है जो ऑर्गेनिक है, लेकिन आपके बालों को हद से ज़्यादा ड्राई करता है. ओह माय गॉड. क्योंकि ये मैंने एक के नहीं देखा, मैंने बहुत सारे लोगों के देखा है. और आपने नाम सुना होगा जो क्वीन ऑफ हर्ब्स हैं आपकी इंडिया की, क्या नाम है उनका, जस्ट फॉरगॉट हिज नेम. खैर, तो वो मेहंदी लगाती हैं, और इंग्लैंड में वो मेरे पास आई थी और मैंने उनके बाल जब छुए थे तो मुझे लग रहा था कि एक कड़क बाल हैं जिनको मैंने हाथ लगाएगा, इतने उनके कड़क थे बाल. और वो क्वीन ऑफ हर्ब्स हैं, और वो अपनी मेहंदी बना के लगाती हैं. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपके अपने बाल तो इतने सख्त हैं, कहने लगे बस इसमें मैं बैककॉम्बिंग कर लेती हूँ तो मुझे लगता है लोगों को मेरे बहुत बाल हैं. और लोगों को जो ड्राई है ना तो घने लगते होंगे. एग्जैक्टली. तो वो क्योंकि सपल नहीं है, है ही नहीं. तो मेहंदी जो लोग लगाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं हमें हर्बल से कोई एलर्जी नहीं है, कुछ नहीं है, विच इज़ फाइन कि उससे कोई एलर्जी नहीं होती आपको, लेकिन वो बालों के लिए है नहीं. राइट. तो जब हम, ये इतनी बड़ी कंपनीज आपकी आती हैं जो कलर्स बना रही हैं या जो भी प्रोडक्ट्स बना रही होती हैं, वो इन्वेस्ट करती हैं, वो आपकी पूरे जो केमिकल्स होते हैं उनको बालों के लिए बनाते हैं. वो आपके हर चीज़ को एक सोच के बनाते हैं कि क्यूटिकल्स खुलेंगे, उसमें इंसर्ट होगा. रिसर्च बेस्ड. एग्जैक्टली. वैसे नहीं है कि अपने अकल से. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन मैं हमेशा आपके उसे लोगों को बताऊंगी कि जो बॉक्स डाइज होते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि किस कंपनी के बॉक्स डाइज हो, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि जो बॉक्स डाइज होते हैं जिनको हम, हमारी इंग्लैंड में हम उनको हॉलीडेज कलर्स कहते हैं. कि अगर आप, यू आर इन हॉलीडेज और आपका 4 वीक से ज़्यादा टाइम गुजर गया है, तो आप हेयर ड्रेसर के पास जाने से पहले आपकी मीटिंग आ रही है, या सम हाउ जैसे कोविड में लोग 4 वीक से ज़्यादा अटक गए थे, 6 हफ्ते के लिए, 7 हफ्ते के लिए मार्केट बंद था, तो यू हैव बॉक्स डाइज, तो आप अपनी हेयर लाइन उससे कवर कर लें एंड अटेंड योर मीटिंग और अटेंड योर पार्टी वॉट एवर, एंड देन यू शुड गो बैक टू योर हेयर ड्रेसर और उससे आप अपना जो कलर लेती हैं वो करवाइए. तो हमारे यहाँ क्या होता है, जो बॉक्स डाइज हैं वो ग्रॉसरी के साथ लोग लेकर आते हैं, और वो हर 10 दिन पर एक बाल निकलेगा और उस पर वाइट. तो क्या वो नुकसानदेह है? बहुत ज़्यादा. रियली? बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, क्योंकि हम उनको कहते ही हॉलीडेज कलर्स हैं कि आप सिर्फ एक हेयर लाइन आप कवर कर लें. तो वंस इन अ वाइल हैं तो क्या नुकसान देता है बालों में? देखिए, वो बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं, इवन दिस सेट इज नो अमोनिया व्हाटएवर, लेकिन मैंने काम किया है तो मुझे पता है कि वो कितना नुकसानदेह. लॉन्ग रन में आपको, वन टाइम इट्स नथिंग, कुछ भी नहीं होगा आपको, लेकिन एक साल में 2-4 बार इट्स ओके. You would not recommend. हाँ, मैं पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन हाँ आपको बहुत इमरजेंसी हो गई है देन यू कैन डू. बट अगर आप ये सोच के करें कि जी हर 10 दिन में, हफ्ते में, महीने में आप 3 दफ़ा लगा रहे हैं, इवन 1 दफ़ा लगा रही हैं, लॉन्ग रन साल में 12 दफ़ा आपने लगा लिया, तो वो आपको स्किन कैंसर भी कर सकता है. Oh my God. And I saw those type of women. और कितना कॉमन है हमारे यहाँ. मैं हमेशा सबको मना करती हूँ. खवातीन तो
मुझे नहीं पता कितने का वो आता है, लेकिन लोग ग्रोसरी के साथ कर रहे हैं। मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो ग्रोसरी स्टोर पे होते हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स, तो ये अक्सर ब्यूटिशियंस के पास भी तो वही होता है नहीं? गलत है, तो जो ब्यूटिशियंस के पास होने चाहिए वो मुख्तलिफ होने चाहिए। बिल्कुल राइट राइट। ब्रांड देखें, हम किसी भी कंपनी की जो अच्छी ब्रांड की बात मैं कर रही हूँ, जैसे मैं इटालियन यूज़ करती हूँ, दे हैव लाइक अ फ्लैक्स, दे हैव लाइक ऑयल्स इन द क्रीम, तो दे विल वर्क रियली वेल। आपको कोई स्कैल्प पे इचीनेस नहीं होगी। हमारे उनके साथ भी मेरे पास स्पेशल ऑयल होते हैं जो आपके स्कैल्प को बहुत सूदिंग रखते हैं, आपका स्कैल्प ड्राई के बाद ड्राई नहीं होता है। और मेरी हमेशा क्लाइंट को रिकमेंड मैं करती हूँ कि जब भी आप डाई कराएं, आप हाइलाइट्स कराएं, जो भी कराएं, आप हमेशा फर्स्ट वॉश ऑयलिंग करें और फिर आप वॉश करवाएं। सही।